कस्तूरी। आज के सवर के रूपाराम जुड़ी के मूर्ति के अवर के मौके पे मंच पे बैठे हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सचिन पायलट साहब, मंच पे बैठे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और रूपाराम जी के मेरे और चेतन जी के महेंद्र जी के सभी के मार्गदर्शन आदरणीय मोहन प्रकाश जी, मंच पे बैठे भाई भवनलाल जी पूर्व मंत्री पीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मंच पे बैठे हमारे नागौर के प्रभारी और विधानसभा के मुख्य सचेतक गोजी डोडासा साहब, जो हमेशा विधानसभा के अंदर किसानों के लिए हमेशा आपके लिए लड़ते रहते हैं। मंच पे बैठे राजेंद्र चौधरी साहब, हमारे पूर्व मंत्री राजेंद्र जितेंद्र जी साहब, जो पूर्व प्रभारी मंत्री जी है बद्री जी जाकर साहब, प्रभारी जी हमारे महजी शर्मा, जसवंत जी गुजर, राकेश जी मोरदिया और महेंद्र जी चौधरी, मंजू जी मैकवा, पूर्व मंत्री जी कृपा राम जी, लच्छा राम जी, तमाम नागौर जिले के सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रधानगण, सरपंचगण, चेयरमैन साहिबा और सभी मेरे सामने बैठे लाखों की तादाद के अंदर रूपा राम के चाहने वाले सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि स्वर्गीय रूपा राम जी के मूर्ति के अवरण के मौके पे इतनी लाखों की तादाद के अंदर आप इस 45 डिग्री गर्मी के अंदर आप सब लोग बता रहे, मैं बहुत बहुत तेजी से सेवा देना चाहता हूँ। पायलट साहब मैं बताना चाहता हूँ तो 11 जून को रूपा राम जी को 4 साल पहले स्वर्ग का वास हुआ था, तो पीछे मुंडूपुरा के अंदर उनका घर है 4 किलोमीटर दूर, और जहाँ पर ये इनकी समाधि बनाई गई है मुंडूपुरा से लेकर समाधि स्थल तक पूरा गांव एकम एक हो गया था, इतनी भीड़ थी। जो भीड़ अभी है वो की वो भीड़ 4 साल पहले देखने को मिली थी। रूपा राम जी हमारे नागौर जिले के बहुत कांग्रेस नेता थे, वो हमेशा गरीब किसान के लिए लड़ाई लड़ते थे। रूपा राम जी की जीवनी के बारे में उनके सपुत्र हमारे युवा नेता चेतन जूडी से बुरी बात बताई आपको, रूपा राम जी एक गरीब परिवार से जन्मे थे और उनके जन्म होते ही 1 साल बाद उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और 2 साल बाद उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गए थे। ऐसी स्थिति के अंदर उनके पालन पोषण हुआ कि उनका मतलब पालन पोषण के परिवार में दूसरे परिवार के अंदर हुआ, और वो शुरू से जवानी से उन्होंने हमेशा सेवा प्रति बात की, सेवा लोगों की, और वो सरपंच बने। सरपंच बने के बाद 2 बार आपके आशीर्वाद से एमएलए बने। एमएलए जब जब बने आपके लिए हमारे पूरे नागौर के राजस्थान के किसानों के लिए उन्होंने विधानसभा के अंदर बहुत दबंग से बात उठाई, और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, मास्टर भवनलाल जी का, के दोनों हमारे प्रभारी मंत्री हमारे कार्यकाल के अंदर थे। रूपा राम जी की मेरी दोस्ती पूरे नागौर के अंदर क्या पूरे राजस्थान के अंदर एक विशाल थी, आप लोगों को ये पता ही भी है। जब भी कहीं मैं पायलट साहब के पास, मोहन प्रकाश जी के पास, मास्टर भवनलाल जी के पास रूपा राम जी मेरे जाते थे तो ये वो कहते थे यार जाकिर कहाँ गया, और मैं अकेला जाता था रूपा राम जी कहाँ गया। हमारी दोस्ती, हमारा भाईचारा हिंदू मुसलमान की एक पहचान थी, और हमारे को हमेशा लोग जुगल जोड़ी के नाम से काम करते थे। आज ये जुगल जोड़ी चेतन गुड़ी जाकिर के नाम से अभी आज चल रही है, आप लोग कार्यकाल रहा सारी बातें बताइए। पानी के मुद्दे का भी जो संरक्षण मामला ये बताना चाहता हूँ कि पूर्व सरकार के अंदर ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे पानी के मंत्री थे, रूपा राम जी ने संघर्ष करके इंदिरा गांधी सेकंड फेज की नियर की स्वीकृति कराई, उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी ने सारे रूपा राम जी ने मिलकर 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया इंदिरा गांधी सेकंड फेज का, जिसमें 6 तहसीलों के अंदर पानी आने की उसमें बात की जाए, लीनवाड़ा, लाडू, मकराना, परवसर और नावा, इन 6 तहसीलों का पानी का इन्होंने काम किया था, 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, 2500 करोड़ जापान से लोन लिया था इन्होंने, और 750 करोड़ राज्य सरकार ने इसमें
सहभागिता की थी। 3000 रुपए का ये प्रोजेक्ट हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी 20 जून 2013 के अंदर जाहिर केंद्र का शिला किया गया, उसकी ओपनिंग हो गई और 6 महीने बाद हमारा राज बदल गया। राज बदलते ही मैडम ने 2 साल तक जो टेंडर हो गए थे टेंडर सारे निरस्त करके 2016 के अंदर पूरे टेंडर करा गए और 2.5 साल तक काम बंद रहेगा। अगर ये काम बंद नहीं होता तो नागौर की जनता 2.5 साल पानी पी चुकी होती। ये 2.5 साल लेट इसलिए किया गया कि ताकि ये चुनावी वर्ष के अंदर ये कार्य हुए और ये झूठी बवाल लूट सके। लेकिन लोगों को पता था ये योजना ऐसे भी बनती 3000 करोड़ की, इस योजना बना लेंगे प्लान बनता है स्वीकृति होती है कई सारे इसके अंदर सहभागिता होती है। ये सारा काम होने बाद आज चुनावी वर्ष के अंदर मैडम अभी आई और कटाक्ष से बटन दबा के चले गई और लाखों रुपए का या पकड़ा डीटवाड़ा लाडू जहर के अंदर पूरा करके लाखों रुपए का खर्चा किया। खर्चा तो हुआ था और की बात तो 3000 का प्रोजेक्ट था 4000 के प्रोजेक्ट मिल जाया और 1000 रुपए जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था अपनी उनकी आन चान बान के लिए 3 साल पानी लेट प्लस के लिए इनको सजा भोगनी पड़ी। आपने देखा ये 4.5 साल का कार्यकाल किस तरह बीत रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट साहब जब से प्रदेश अध्यक्ष बने जब से किसानों के लिए लड़ रहे हैं मर रहे हैं, किसानों को ऋण माफ लगाने के लिए घूम रहे हैं, 100 किलोमीटर पैदल यात्रा करे, किसान हत्या कर रहे हैं, इनके लिए मोहन प्रधान जी चंद्र सकंदर मिला के गाँव के अंदर सारे सारे ये सब जाते हैं। हम लोग इनके आदेश की पालना करते हैं। इनका जब जब आदेश होता है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की तरफ से जिला हेडक्वार्टर तहसील हेडक्वार्टर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के अंदर आपके लिए हर धरना प्रदर्शन हम लोग सब करते हैं और आपके लोगों के जोर के अंदर नागौर आज हर धरने प्रदर्शन के अंदर अग्रिम पंक्ति पे। अभी कल जो विश्वासघात जो राहुल गांधी जी ने वहां दिल्ली के अंदर प्रोग्राम दिया था विश्वासघात जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ हुआ कल ही बहुत अच्छा धरना हुआ। आप देखो आज आप देखिए उसके आज सीआर साहब का एक स्टेटमेंट है अखबार के अंदर महंगाई कहा विपक्ष वाले झूठी बाबा लूट रहे महंगाई कहीं नहीं महंगाई की हालत ये हो गई है। मेरी माता बहने खड़ी है आज बाजार के अंदर जाती है तो 500 रुपये लेकर जाती है और 100 रुपये के बराबर होता है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ वक्ता बहुत है गर्मी की बहुत मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मैं आदरणीय पायलट साहब का और मोहन प्रताप जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि इन्होंने आपके साथ आके कंधा से कंधा मिला के रूपाराम जी के परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आम राम साहब।